आज मैं बनाने वाली हूँ शादी पार्टी में बनने वाला गाजर का हलवा। तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 किलो गाजर और घी लिया है मैंने, और मैं ले रही हूँ 1 कटोरी शक्कर, 2 कटोरी दूध, 3 इलायची 3 से 4, और मावा लिया है मैंने 1 कटोरी। बस इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा बन जाएगा गाजर का हलवा। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर दिया है और उसके बाद मैं उसमें इलायची डाली और जो 1 किलो गाजर लिया था मैंने उसको ग्रेट करके वो डाल रही हूँ यहाँ पर। आप सब मेरे वीडियो पर अगर नए हैं तो मैं बता दूँ, मैं सुनीता, हमारे चैनल पर वीडियो और फैशन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। और इस तरीके से देखिए, ये पूरा गाजर मैं डाल दूँगी इसमें। आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, वीडियोस में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पलट रही हूँ गाजर को। देखिए थोड़ी देर के बाद ही, 5 मिनट बाद ही गाजर का कलर चेंज हो जाता है और उसका भाप आप देख रहे हो कितने अच्छे से भाप निकल रहा है। आप इसको एंड तक देखना कि मैं इसे कैसे बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था, जैसा हम शादी में खाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही टेस्टी सा बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही बन के रेडी हुआ था। तो हम इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। और आप ऐसा इतना भी मत चलाना कि उस गाजर टूट के, मतलब टूटने लग जाए, इतना नहीं चलाना है, तो ध्यान भी रखना है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध और 1 कटोरी दूध डालेंगे। तो ये 2 कटोरी दूध मैंने डाल दिया है, अब उसको अच्छे से चला लूँगी मैं। जितना भाप निकलेगा और गाजर की क्वांटिटी आप देखना रिड्यूस होती जाएगी, तो आप समझिएगा कि हमारा गाजर बिल्कुल पक कर रेडी हो गया है ऐसे। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको चला के इस तरीके से सेट कर दी हूँ। 2-3 मिनट बाद इसे मैं फिर चला रही हूँ। इसमें जो मैंने दूध डाला हुआ है वो दूध भी, इसमें हम उसको चलाते चलाते वो दूध भी एक तरह से खोआ ही बनेगा इसमें जाके, और ऊपर से हम और ऐड करने वाले हैं, आगे आप वीडियो में देखेंगे और ऐड करेंगे हम इसमें खोआ। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है जब मिक्स हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाएगा गाजर का हलवा हमारा। इसके बाद देख रहे हो आप, इसमें से पूरा दूध भी सूख गया है। दूध सूखने के बाद अब मैं इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि पूरा, मतलब टाइम तो लगता है, टाइम पीरियड इसमें बहुत ज़्यादा है। तो मैं पूरा वीडियो अगर शूट करके रखी हूँ और उसे मैं अपलोड करती तो बिल्कुल 1-2 घंटा लग जाता, 1 घंटा मिनिमम तो लग ही जाता। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए उसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, और एक तरफ हम क्या करेंगे, जब तक उसमें पूरा शक्कर मेल्ट हो जाए तब तक दूसरी तरफ पैन रख दूंगी। उसमें 1 चम्मच घी डाली और थोड़े से काजू किशमिश और बादाम, आप चाहें तो इसमें पिस्ता वगैरह, अखरोट, जो भी आपको खाना हो ऐड कर सकते हो। मैं सिर्फ बादाम और काजू इसमें ऐड करूंगी। उसको मैं थोड़ा सा गुलाबी होने तक भून रही हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं भूनूंगी। तो भून कर रेडी हो गया है। अब ये देखिए हमारा गाजर 2 मिनट में और ज़्यादा सूख गया और सूख के बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा बहुत है, उसके लिए 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अब इसको और मैं चला लूंगी थोड़ा सा। आप देख रहे थे जब ये कढ़ाई में मैं गाजर डाली तो पूरा भर के था, अब इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, तो ये एक सिग्नल है कि हमारा गाजर पक गया है। ये देखिए अभी और कम हो गया और रिड्यूस हो गया हमारा गाजर, तो अब इसका फुल सिग्नल है कि हमारा गाजर पूरी तरीके से रेडी है। अब इसमें मैं सूखा जो हमारा मावा था वो मैं डाल रही हूँ। ये 1 कटोरी मावा था मैंने आपको दिखाया था,
वो मैं यहाँ पे पूरा हाथों से तोड़ तोड़ के डाल दी हूँ, और इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस होने में भी 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। ये पूरा अच्छे से इसमें पिघल जाएगा और पिघल के पूरे गाजर में अच्छे से लपटा जाएगा, और उसका जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही गजब का टेस्ट रहता है। तो इसके लिए हमें 2 से 3 मिनट इसको चलाना है। देखिए बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है ये इस तरीके से। अब इसमें मैं 2 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। देख रहे हो ना आप कितना गजब का बन रहा है हमारा गाजर का हलवा। यही इसका जो टेस्ट है, इस इन्हीं सब इंग्रेडिएंट से इतना अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब हम इसे गार्निश कर देंगे। इसको मैं कट कर ली हूँ मेवे को। ये देखिए हमारा ये गाजर बिल्कुल, इसमें आपको मैं दिखा दूं कि देख सकते हो आप यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है, मतलब कि दूध बिल्कुल नहीं दिख रहा आपको, मतलब हमारा ये पक कर बिल्कुल रेडी हो गया है। देख रहे हो आप, और कढ़ाई में कहीं भी नहीं चिपक रहा है, मतलब पूरा रेडी हो गया। इसको मैं सर्विंग बाउल पे निकाल लेती हूँ। इसको मैं ऊपर से प्लेन कर दी ताकि हम जो गार्निश करें वो अच्छे से उसमें आ जाए। अब सूखे मेवे में से थोड़े से बचा के मैंने इसमें डाला हुआ है, और जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब किए बगैर तो मत जाइएगा। आपको और भी कोई रेसिपी मुझसे बनवानी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो आज मेरा ये गाजर का हलवा बना के मैंने रेडी कर दिया है। नेक्स्ट क्या क्या बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं।